हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, आप सबको नया वीडियो हमारा जापानीज लैंग्वेज के ऊपर। फिर से इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी करेंगे। वोकैबुलरी वही 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे कुछ, और पांच हमारे फ्रेजेस होंगे, और साथ ही साथ मोहित शर्मा, पिछली बार भी उससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसका। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ओई, इसे मैंने बताया था कांजी, ओई मतलब मेनी होता है, तो ओई कहाँ यूज करेंगे, ताकुसान कहाँ यूज, ताकुसान भी मतलब मेनी होता है, इप्पाई का मतलब भी मेनी होता है। अब लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है, तो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे ये मैं बताऊंगा आज, ठीक है। ये लेकिन बताऊंगा मैं सबसे लास्ट में, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो अभी करते हैं पहले अपना वोकैबुलरी का क्लास आज, जो 20 वर्ड्स थे वोकैबुलरी के और 5 फ्रेजेस, और देन उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, ठीक है। शुरू करते हैं अपना लेसन, ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 3 वोकैबुलरी का। लेकिन पिछले लेसन नंबर 2 में मैंने गलती करी थी छोटी सी, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे, गलती कर दी, कैसे कर दी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गलती हो गई। तो गलती जो मैंने करी थी वो ये करी थी, काबान, मैंने बैग का कोबान लिख रखा था अपने जो फिगर बनाया था मैंने पिछले लेसन में, लेकिन वो कोबान नहीं है, वो काबान है, ठीक है। वो गलती हुई थी, कोबान का मतलब पुलिस स्टेशन होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना भैया, काबान का मतलब बैग है, सॉरी गलती हो गई थी भैया, मिस्टेक थोड़ी सी। तो चलो लेसन नंबर 3 यूज करते हैं, शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 3 का पहला जो वर्ड है दैट इज कोको। तो जैसे हमने पिछले लेसन में ये देखो कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो यू पढ़ा था, उसी तरह से इस बार भी यही है, कोको सोको आसोको दोको। तो पूछने के लिए होता है, किसी जगह को डिफाइन करने के लिए होता है ये, ठीक है। तो कोको, कोको का मतलब हो गया हियर या यहाँ, सोको वहाँ, मतलब लेकिन किसी लिसनर जो है हमारा उसके आसपास की कोई जगह है तब हम लोग सोको यूज करते हैं। फिर आसोको, फिर आसोको का मतलब हो जाता है लिसनर से कोई दूर जगह को डिफाइन करना है तो हम लोग वहाँ पे आसोको यूज करेंगे। और अगर जगह के बारे में पूछताछ करनी है कहाँ तो या किधर, तो वो है दोको, ठीक है। तो दोको मतलब वेयर, ठीक। उसी तरह से अगर इसके पोलाइट फॉर्म में अगर देखते हैं हम लोग कोको सोको आसोको दोको को, तो वो है कोचिरा सोचिरा आचिरा दोचिरा, मीनिंग सेम वही है। इसीलिए मैंने इसको पीले में थोड़ा हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, कि मालूम चल जाए कि ये थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म ऑफ स्पीकिंग ये है, कोको सोको आसोको दोको, ठीक है। अब आते हैं अपने वर्ड्स पे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। पहला वर्ड है क्यो शित्सु। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा भी आएगी लास्ट में, देखो ये मैंने ऊ लगा रखा है इधर। तो क्यो शित्सु, क्यो शित्सु का मतलब होता है क्लासरूम। देन उसके बाद है शोकुदो, शोकुदो, तो शोकुदो का मतलब होता है कैंटीन, जो हमारे ऑफिस ऑफिस में कैंटीन होता है या क्लासरूम क्लासेस में जो स्कूल्स में कैंटीन होता है उसको यूज करते हैं शोकुदो। देन जिमुशो, जिमुशो में ऊ नहीं है, खाली शो है ये, ठीक है। तो जिमुशो का मतलब होता है ऑफिस। देन खाइगी शित्सु, खाइगी शित्सु का मतलब होता है मीटिंग रूम। देन उकेत्सुके, उकेत्सुके का मतलब है रिसेप्शन, ठीक। नेक्स्ट है तोयरे, तोयरे का मतलब है टॉयलेट। टॉयलेट का ये तोयरे इसलिए हो गया, देख काताकाना वाली इंग्लिश है ये, ठीक है। तोयरे तो ले होता नहीं है तो उसको रे कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो तोयरे एज इन, इसका कोई हिरागाना लिखते नहीं चूंकि फॉरेन वर्ड है, इसलिए इसका काताकाना ही लिख दिया मैंने। और एक चीज और, ये उकेत्सुके जो है ये रिसेप्शन जरूरी नहीं है खाली होटल का रिसेप्शन हो, कोई सा भी रिसेप्शन होगा उसके लिए हम लोग उकेत्सुके यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन है खाईदान, खाईदान का मतलब है स्टेयर केस, ठीक, या स्टेयर्स, ठीक है। देन उसके बाद है देनवा, देनवा मतलब टेलीफोन, ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान रखना है सबको, ठीक है, क्योंकि ये और उकेत्सुके मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। देन उसके बाद है खाइशा, खाइशा मतलब कंपनी, ये पहले भी बता रखा है मैंने। ऊंची, ऊंची का मतलब होता है हाउस या होम, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक हेया भी यूज करते हैं, वो रूम को लिए डिफाइन करते हैं, रूम, ठीक है। और साथ ही साथ एक ईए भी बोलते हैं, ईए, तो ईए का मतलब भी एक मना करना भी होता है, नहीं भी होता है, और साथ ही साथ ईए का मतलब ये होता है घर भी होता है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग कुत्सु, और कुत्सु का मतलब होता है शूज, ठीक है, और शूज ये ध्यान रखना है, इसे बहुत जरूरी यूज होगा ये, ठीक। तो और उसके बाद है जिदोहान बाई की, ये जापान की पहचान है अपने आप में, जिदोहान बाई की। अगर सबको पता है जापान में जगह जगह पे वेंडिंग मशीन है, तो उस वेंडिंग मशीन को हम लोग जिदोहान बाई की कहते हैं, ठीक है। ये इसकी कांजी है, खूब बड़ी सी कांजी। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये पहली जो मेरी कांजी है दो, इसका मतलब होता है जिदो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है जी। और फिर इसके बाद है ये है हानबाई, हानबाई मतलब होता है सेलिंग, ठीक है जी। और ये होता है की मतलब कोई भी मशीन, ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया ऑटोमेटिक सेलिंग मशीन, ठीक है, ये पूरी कांजी का ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं वेंडिंग मशीन, मतलब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन कह लो या वेंडिंग मशीन कह लो, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे करीब 20-21 वर्ड हो गए जो हमने आज देख लिए।
अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज जो कि है फ्रेजेस हमारे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 3 फ्रेजेस का भी। फ्रेजेस में ये भी ग्रीटिंग्स ही हैं, एक तरह से ग्रीटिंग्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा मैं ग्रीटिंग्स और एक्सप्रेशन दोनों ही साथ लूँ, छोड़ो ग्रीटिंग्स काफ़ी है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो हमारा ग्रीटिंग होती है वो होती है इराशाई मासे। इराशाई मासे का मतलब है, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी शॉपिंग सेंटर में अगर जाते हो, तो वहाँ जो भी वर्कर होगा, जो गेट पे खड़ा होगा, वो आपको इराशाई मासे से ग्रीट करता है। इराशाई मासे का मतलब होता है यो वेलकम या मे आई हेल्प यू, ऐसे करके। ठीक है, आप कहीं भी एंटर करते हो तो वहाँ पे ये बोलते हैं। स्पेशली किसी भी मेजरली आप जब देखोगे, वो देखोगे किसी आप रेस्टोरेंट में घुसते हो तो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, मिलेंगे लोग वहाँ जो काम करते हैं। उसके बाद है दूसरा, अगला फ्रेज जो है वो है ओ मतलब किसी एक, कोई भी नाउन होगा या कोई भी चीज़ होगी उसके बाद लगाएगा ओ, देन मिसेत्ते कुदासाई। ओ मिसेत्ते कुदासाई का मतलब हो गया कृपया दिखाइए, अब कुछ भी वो चीज़ हो सकती है वो। साथ ही साथ अगर इंग्लिश में देखें तो प्लीज शो मी, ऐसे करके। ठीक, तो इसे हम लोग टिकट के बारे में बात करते हैं, तो टिकट को हम लोग जापनीज में कहते हैं किप्पू। ठीक, तो बोलेगा अनातानो या अनातानो, हाँ अनातानो किप्पू ओ मिसेत्ते कुदासाई, मतलब प्लीज शो योर टिकट, ऐसा करके। ठीक है, तो उस लिए हम लोग यहाँ पे लगा दिया बार बार, मतलब कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। मिसेत्ते कुदासाई का मतलब हो जाता है कृपया टिकट दिखाइए, जूते दिखाइए, बैग दिखाइए, ऐसा करके कुछ भी। ठीक है, उसके बाद अगला एक्सप्रेशन है वो है ताई हेन देसने। अब ताई हेन देसने का मतलब क्या होता है, ये बहुत कठिन है या डिफिकल्ट है, इट इज़ वेरी टफ इजंट इट, ऐसा करके। तो ये भी एक्सप्रेशन कब है, जब हम लोग कुछ काम करते हैं और वो काम बहुत डिफिकल्ट होता है, ढंग से हो नहीं रहा होता है, तब बोलते हैं ताई हेन देसने। तो ये भी एक फॉर्म है एक्सप्रेशन करने का। ठीक है, उसके बाद है अगला है सो देसने। तो मान लो हम लोग कोई कन्फर्मेशन ये कर रहे हैं किसी को, या कोई बात कर रहा है हमसे और उसने कोई ऐसी नई चीज़ बताई तो जो कि हमें पता तो है, लेकिन वो हाँ ये सही है, मतलब ऐसे कोई डिस्कशन करते हैं ना लोग, किसी ने कोई पॉइंट रखा तो बोलते हैं हाँ ये सही है। ठीक है, तो उस तरह से सो देसने। ठीक, तो अगला है जामाता। ये बहुत यूज होगा, बहुत ही बढ़िया वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी हम किसी से मिलते हैं और अगर उससे हम उसे उससे वो हमें अच्छा लगा, हम उसे वापस मिलना चाहते हैं, तो हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जा माता। ये तुमने उसमें एनिमे एनिमे में भी सुना होगा कहीं ना कहीं, जा माता। जा माता का मतलब होता है फिर मिलेंगे, या फिर मिलेंगे के बाद, लेकिन अगर जा माता के बाद हमने आश्ता लगा दिया, आश्ता मतलब होता है कल, आने वाला कल। ठीक है, तो जा माता आश्ता का मतलब होता है कल मिलेंगे, और अगर आश्ता नहीं लगा तब ये हो जाएगा फिर मिलेंगे, मतलब फिर मिलना है हमें, ये तो पक्का है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके, इसलिए हम लोग फिर वापस जरूर मिलेंगे। तो जय माता आस्था बोल दिया, या जय माता सत्य, जय माता राइशु, ऐसा करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो जय माता मतलब सी यू अगेन, ऐसा करके। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 15 वर्ड्स। ठीक, और मतलब 15 नहीं, मतलब 5 ही हैं, टोटल मिला के 15 हो गई है। ये कुछ 5 फ्रेजेस और ये हमारे कुछ 20 वर्ड, 20-21 वर्ड थे ये। ठीक है, अभी इसके बाद मोहित ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन का अब देते हैं हम लोग आंसर, वो देखो अब मेरे बोर्ड पर। हाँ तो साहब, जो मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा आंसर बढ़िया वाला, वो ये था कि देखो मोहित का एक क्वेश्चन आया था कि मेनी को हम लोग ओई भी कहते हैं, तो साथ ही साथ ताकुसान और इपाई भी तो कहते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस ये है, तो पहले मैं सबको क्लियर कर दूं, एक बेस क्लियर कर दूं सबका, क्या चीज है। मेनी को हम लोग जापनीज में ओई कहते हैं, साथ ही इसके दो और सिनोनिम भी हैं। पहला जो सिनोनिम है उसको कहते हैं हम लोग ताकुसान। ठीक है, ताकुसान। और दूसरा जो है, दूसरा सिनोनिम है, ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये भी, और वो है देखो इप्पाई। इप्पाई ताकुसान, चिंचाइसू है यहाँ पे, इप्पाई और ताकुसान। अब इसका अंतर क्या है, अंतर ये है, इप्पाई का मतलब ये है, मैं बता रहा हूँ कंटेक्स्ट, तीनों है मेनी। इप्पाई का मतलब है फुल, एकदम जैम पैक। इसका सबसे बढ़िया आंसर है ओनाका का इप्पाई। ओनाका का इप्पाई मतलब पेट मेरा भर गया पूरा, खाना खाने के बाद बोला हाँ ओनाका का इप्पाई ने, ऐसे करके बोलते हैं यहाँ पे। तो ओनाका का इप्पाई, ओनाका मतलब पेट, ओनाका गा इप्पाई का मतलब ये हो गया कि पेट एकदम टाइट फुल भर गया। तो उस जगह पे जो भर गया है पूरा, उसको हम लोग कहते हैं इप्पाई। ठीक है, और यही सेम चीज ओकी के लिए भी यूज करते हैं, और ओ किने मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है वो। ठीक है,
एकदम जैम पैक्ड अगर कोई इलाका है तो उसके लिए हम लोग इपाई या ओकी यूज करेंगे, दोनों लगभग लगभग सेम ही है ठीक। और ताकुसान, ताकुसान का मतलब ये है भीड़ बहुत है, भरा बहुत ढेर सारा है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जगह है उसमें, भरा नहीं है पूरा। जैसे ट्रेन, ट्रेन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये बोगी है मेरी ठीक है, ये बोगी है, बहुत भीड़ है, बहुत बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हैं एकदम टोक्यो वाली ट्रेन के हिसाब से ठीक है। अब बहुत लोग खड़े हैं तो इसका मतलब, लेकिन अंदर ऐसा भी नहीं कि तो थोड़ी बहुत जगह है अंदर, तो उसको बोलेंगे ताकुसान ठीक। लेकिन अगर एकदम भर गए भूसा जैसे ठीक है, एकदम भूसा एकदम ठू दे ठू सम ठू, तो उसको कहेंगे इप्पाई ठीक है। ये अंतर है ओकी ओई, ओकी नहीं ओई, ताकुसान और इप्पाई में। ऑल दो ओई और इप्पाई लगभग सिमिलर ही है, ताकुसान का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस ये अंतर है। तो अभी मुझे लगता है आंसर तो मिल गया होगा अब तो सबको, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। कोई और डाउट है भैया कमेंट में पूछो, मैं अगर कुछ किसी का होगा डाउट तो मैं रिप्लाई करूंगा ठीक है। तो अब करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।